आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ सब्जी मंडी, और आज जो मैं सब्जी मंडी का जो ब्लॉग बनाने वाली हूँ, और आप सबको दिखाऊंगी यहाँ पर कैसे सब्जियाँ मिलती हैं और किस रेट में सब्जियाँ मिलती हैं। तो आप सब इस ब्लॉग को लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और लाइक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस ऐसे टच करना पड़ता है, लाइक हो जाती है वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए फिर ब्लॉग मतलब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप सबको मैं सब्जी मंडी दिखाती हूँ कि कैसी सब्जी मंडी है। ₹60 किलो फ्रेंड्स, ये ₹60 किलो मटर है। बोलो कितना चाहिए आपको? ₹14 किलो। हाँ, शिमला मिर्च है ये फ्रेंड्स, शिमला मिर्च जैसा कि आप सब देख रहे हैं। ये है खीरा, ₹60 किलो है शिमला मिर्च। ₹12 किलो प्याज जो है ₹12 किलो है। ₹20 किलो जैसी छोटी छोटी ले ली क्या फ्रेंड्स? मैं पहली बार सब्जी ले रही हूँ, मुझे लेना नहीं आता सब्जी। मम्मी आई है साथ में, आंटी थोड़ा ऑर्डर करना पर। मम्मी के साथ में ले रही हूँ सब्जी, कभी लिए नहीं है, हमेशा मम्मी लेती है, इसीलिए तो सीख रही हूँ धीरे धीरे सब्जी लेना भी। मैं ले तो लेती हूँ, लेकिन पता नहीं चलता कैसे क्या लेना है। आलू 40 के 3 किलो कितना? 5 किलो कितना? 40 के 3 किलो 40 के 3 किलो आलू। भैया ₹40 किलो खरबूजा। भैया तरबूज ₹70 किलो तरुई। और ककड़ी ₹30 किलो फ्रेंड्स। क्या कितने में दिए सेम? 120 रुपए किलो सेम। प्याज 10 रुपए किलो, एक गड्डी 10 रुपए की है।
हरी प्याज 30 रुपए किलो कह रही है ब्रांड, 30 रुपए किलो। जी आपको कलमी क्या करो, 25 वाला का 5 किलो नहीं। दादी टमाटर कैसे दिए, कैसे दिए दादी टमाटर? 15 रुपए किलो। अच्छा, और ये करेला, करेला कैसे दिया? 30 रुपए। ये लौकी कितने मिली? 20 रुपए किलो। तेरे को लौकी दे रही हूँ। हाँ दादी, आपकी ये लौकी 20 रुपए किलो।90 रुपए किलो लहसुन। आम कैसे दिए? 70 रुपए किलो। यहाँ पर सब्जियाँ जो है सही रेट में मिल जाती हैं। वैसे खुले में लो तो महंगी मिलती है, लेकिन इकट्ठे में लो तो सस्ती मिल जाती हैं। और जो खेतों में मतलब सब्जियां बोते हैं वो यहाँ पर आके अपनी सब्जियां बेच देते हैं, और जो यहाँ पे लोग खरीद लेते हैं और जिनको सब्जियां बेचनी होती है वो भी यहाँ से आके जो सब्जियां लेते हैं। और मैं भी आई थी यहाँ सब्जी लेने के लिए, लेकिन जो खुले में मिल रहा था इसलिए थोड़ा महंगा मिल रहा था। इकट्ठे में लो तो बहुत सस्ती सब्जी मिलती है यहाँ पर। तो अजमेर की जो है सबसे बड़ी मंडी है, सब्जी मंडी है। और ये सब्जी मंडी जो है अजमेर के सुभाष नगर रामगंज ब्यावर रोड पर पड़ता है और सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। तो आप सब जो यहाँ से आके सब्जियाँ खरीद सकते हैं जो अजमेर में रहते हैं। मैंने सोचा जानकारी के लिए आप सबको बता दूँ। तो और जो दूर रहते हैं वो तो नहीं आ सकते, लेकिन जो यहाँ पर अजमेर में रहते हैं वो आके यहाँ सब्जियाँ ले सकते हैं। वैसे तो जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। तो सो फ्रेंड्स, मैंने जो है सब्जियाँ ले ली हैं और बहुत महंगी सब्जी थी, मैंने सोचा सस्ती मिलेगी, लेकिन जब खुले में लो तो महंगी मिलती है सब्जी, और अगर इकट्ठे में लो तो सस्ती मिलती है सब्जी। तो मुझे तो थोड़ी बहुत ही लेनी थी और मम्मी ने ही ली सब्जी। मैं तो अभी कभी सब्जी मैंने ली नहीं है, सीख रही हूँ मैं भी सब्जी लेने। आज मम्मी के साथ आई थी सब्जी लेने, तो आज देख रही थी सब्जी कैसे लेते हैं कैसे नहीं। कभी मैंने सब्जी ली नहीं, कभी लेने का मौका ही नहीं मिला, और आज आई मम्मी के साथ तो सब्जी लिया। अब जा रहे हैं घर। बस यही था आज का ब्लॉग में। तो आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।